हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है डे 5 नॉर्थ इंडियन वेज थाली सीरीज का। आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी और साथ में मैं बना रही हूँ भिंडी फ्राई। भिंडी फ्राई की रेसिपी बिल्कुल स्किप मत करना, ये बहुत इजी रेसिपी है, बहुत क्विक वाली है एंड खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है तो वो ज़रूर आप देखना। उसी के साथ मैं बना रही हूँ मसाला छाछ और लच्छा पराठा और साथ में राइस भी बना रही हूँ। तो चलिए आज की वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। उसके लिए मैंने अनियन ले लिया एक और साथ में मैंने ले ली दो हरी मिर्ची, उनको मैंने मोटा चॉप कर लिया था और अब इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर रही हूँ। प्याज और हरी मिर्ची ग्राइंड हो गया है, अगर आप चाहें तो मिक्सी में भी इसको पेस्ट बना सकते हैं। उसी के साथ मैं ले रही हूँ फ्रोजन मटर आधी कटोरी। मैं यहाँ पर फ्रोजन मटर ले रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश मटर हो तो आप वो भी ले सकते हैं। इधर मैंने चावल को 2 से 3 घंटे के लिए पानी में सोख करके रख दिया था, उसको भी पकने के लिए गैस पर रख देंगे। इधर मैंने कढ़ाई रख दी है मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए और गैस ऑन कर दिया है। अब इसमें डाल दूँगी मैं 3 से 4 चम्मच तेल। मैं यहाँ पर सनफ्लावर का तेल ले रही हूँ, आप अपनी चॉइस का कोई भी तेल ले सकते हैं। जैसे तेल गर्म हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे जीरा 1 चम्मच। जीरा जैसे पक जाएगा उसमें हम डाल देंगे अपना प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट। पेस्ट डालने के बाद उसको मिला लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी प्याज पक रही है, मीनवाइल हम लोग अपने लहसुन और टमाटर उसको भी ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 से 4 लहसुन लिया है, उसको मोटा मोटा चॉप कर लूँगी। उसी के साथ मैंने 2 टमाटर लिए थे पहले, बट बाद में मुझे टमाटर ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने 1.5 टमाटर लिए थे, उनको मैं मोटा चॉप कर लूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आगे आने वाली मेरी वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर देख पाएँ। यहाँ पे मैंने 1.5 टमाटर लिया था, सारे टमाटर अच्छे से चॉप हो गए हैं। अब इसको ग्राइंडर में डालकर हम ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर और लहसुन है वो भी ग्राइंड हो गया है, अगर आप चाहें तो मिक्सी में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चॉपर में ही कर रही हूँ। इधर हमारे अनियन को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गई है और इसमें भी लाइट कलर आ गया है। अब हम लोग इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे फ्रोजन मटर जो हमने रखे हैं। मेरे पास फ्रोजन मटर है तो मैं वो डाल रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश मटर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं मटर इसी स्टेज पर डाल रही हूँ क्योंकि प्याज के साथ मटर अच्छे से पक जाएंगे। अगर हम लोग टमाटर के साथ मटर डालते हैं या फिर बाद में डालते हैं तो वो पकते नहीं अच्छे से, तो मैं इसी स्टेज पर डाल देती हूँ मटर, वो अच्छे से पक जाएंगे। इसको मिलाने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट हो गई है, अब हम लोग डाल देंगे इसमें बेसिक मसाले। तो सबसे पहले मैंने डाला 1 चम्मच नमक, उसके बाद मैंने डाल दिया गरम मसाला 1/2 चम्मच, देन मैंने डाल दिया धनिया पाउडर 1 चम्मच, उसके बाद मैंने डाल दिए 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। मैंने हरी मिर्ची भी 2 डाल दी थी तो मैंने लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा कम डाला है। उसके बाद मैंने डाल दिया 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको डालने के बाद मिला लेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पर फ्लेम को मीडियम ही रखा है, मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालना भूल गई थी तो मैं अभी डाल देती हूँ, उससे कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी में। कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद इसको मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 से 2 मिनट हो गई है और ये अच्छे से पक भी गया है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर और लहसुन का पेस्ट। पेस्ट डालने के बाद इसको मिलाएंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। दो से तीन मिनट हो गई है, अब इसमें हम लोग डाल देंगे पानी 1/2 कप। पानी डालने के बाद इसको मिलाएंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। इधर हमारे चावल हैं उनको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े चावल निकाल के देखे तो देखने से ही लग रहा था अभी नहीं पके हैं, तो मैंने इसको वापस पकने के लिए छोड़ दिया है। जब तक हमारा मसाला पक रहा है और चावल पक रहे हैं, हम लोग अपना पनीर कट कर लेते हैं। पनीर मैंने घर पर ही बनाया था और उसको पानी में डिप करके मैंने फ्रिज में रख दिया। पानी में डाल के रखने से पनीर फ्रेश रहता है और वो सूखता नहीं है, तो हमेशा पानी में ही डाल के आप लोग भी पनीर को रखा करें। यहाँ पे मैंने 1/2 पनीर ले लिया है और इसको मीडियम साइज़ के पीसीज में कट कर लूँगी। पहले मैं यहाँ पे इंडियन स्टोर से पनीर लेके आती थी, वो फ्रेश भी नहीं होता था और मुझे इतना अच्छा भी नहीं लगता था टेस्ट में, तो अब मैं घर पर ही पनीर बना लेती हूँ
और पनीर बहुत आसानी से बन भी जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा काम धाम भी नहीं होता है एंड साथ में फ्रेश पनीर भी खाने को मिल जाता है। यहाँ पे मसाले को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गई है, अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी, अपनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी डाल लें। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पतला पनीर भी पसंद नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी पसंद नहीं है तो मैंने आधा कप पानी डाल लिया है। पानी डालने के बाद इसको मिलाएंगे और 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे जिससे इसमें एक बॉयल आ जाए। यहाँ पे मसाले में एक बॉईल आ गया है, अब इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। मैंने इसको हाथ में क्रश करके डाल दिया, उससे कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसको मिलाएंगे, मिलाने के बाद 1 मिनट तक और पका लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हमारे कटे हुए पनीर। पनीर डालने के बाद इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, इसको 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे। मैंने यहाँ पे पनीर को फ्राई नहीं किया है, डायरेक्ट ही डाला है। अगर आप चाहे तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं, मुझे इतना ऑयली चीज़ें पसंद नहीं है तो मैं इसको फ्राई करना प्रेफर कम करती हूँ, मैं सीधा ही पनीर डालना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे पनीर डालने के बाद इसको हल्के हाथों से मिला लेंगे, मिलाने के बाद 2 से 3 मिनट तक के लिए और पका लेंगे एंड हमारे मटर पनीर की सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। इधर हमारे चावल है उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं चावल को निकाल कर हाथ से दबा के देखा तो इस बार मेरे चावल अच्छे से पक गए हैं। अब इसको गैस पे से हटा देंगे और हटाने के बाद इसमें पानी निकाल देंगे और हमारे चावल भी बनके तैयार हो गए। इधर हमारी मटर पनीर की सब्जी में एक बॉयल आ गया है और ये भी बनके तैयार हो गई है। अब हम लोग अपना बना लेंगे भिंडी फ्राई। भिंडी फ्राई के लिए मैं सबसे पहले भिंडी निकाल लूँगी। मैंने भिंडी को धोकर अच्छे से सुखा के डब्बे में पैक करके रख दिया था फ्रिज में, अब इसमें मैं आधी भिंडी निकाल लूँगी भिंडी फ्राई की सब्जी बनाने के लिए। भिंडी फ्राई की सब्ज़ी बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ भिंडी और हरी मिर्ची की रिक्वायरमेंट होगी। हरी मिर्ची मैंने 2 ले ली है तो भिंडी को कट कर लेते हैं। सबसे पहले उसके दोनों साइड का जो वेस्ट है उसको हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम एक भिंडी को लेंगे और उसमें ऊपर से लेके नीचे तक कट लगाएंगे, बिल्कुल एंड तक नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसको रखेंगे। ऊपर जो दूसरा कट है उसको हम पूरा नीचे तक ले जाएंगे, उसे हम भिंडी को 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है भिंडी किस तरीके से कटी है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि भिंडी का कैसा टेस्ट आएगा, तो मैं ऐसे कट करती हूँ। अगर आप चाहें तो दूसरे किसी भी स्टाइल में आप कट कर सकते हैं, आप भिंडी का साइज छोटा भी कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं भिंडी के जो दोनों एंड्स का जो वेस्ट है उसको निकाल लूँगी, उसके बाद भिंडी को भी कट कर लूँगी। मम्मी जब भी भिंडी की ये वाली सब्ज़ी बनाती थी तो ऐसे ही कट करती थी और बहुत टेस्टी लगता था मुझे। जब भी मम्मी के पास टाइम नहीं होता था और क्विक रेसिपी बनानी होती थी तो मम्मी ये वाली रेसिपी बना देती थी और मुझे भी बहुत टेस्टी लगती थी। जब मैं हॉस्टल में थी तो मैं ये वाली रेसिपी बहुत बनाती थी क्योंकि बहुत आसानी से बन भी जाती थी और खाने में बहुत टेस्टी लगती थी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना ये वाली रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ भी देख पाएँ और मेरे चैनल पर जाके आप पुराने वाली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। वेज थाली सीरीज़ के 4 एपिसोड मेरे चैनल पे हैं ऑलरेडी, आप वो जाके भी देख सकते हैं। यहाँ पे मेरी भिंडी कट गई है, उसी के साथ में जो मेरी हरी मिर्ची है दोनों उसको भी मैं बारीक चॉप कर लूँगी। तो भिंडी फ्राई की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने गैस पे रख दिया फ्राई पैन, उसमें डाल दिया 2 चम्मच तेल। तेल डालने के बाद गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे तेल गर्म हो गया है, इसमें हम लोग डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। जैसे जीरा पक जाएगा उसके बाद हम लोग डाल देंगे अपनी भिंडी और साथ में जो हरी मिर्ची जो हमने कट की है वो वाली। डालने के बाद उसको मिलाएंगे, उसको 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना कि आप बिल्कुल भी भिंडी को ढके ना, अगर आप ढक देंगे तो भिंडी सोगी हो जाएगी और जो भिंडी मसाला की सब्ज़ी बता रही हूँ वो वाली रेसिपी नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी भिंडी को ढके ना। यहाँ पर फ्लेम को मीडियम ही रखना, उसे आराम से धीरे धीरे पकेगी तो बहुत अच्छी बनेगी। अब हम लोग इसमें डाल देंगे बेसिक मसाले। सबसे पहले मैंने डाल दिया 1/2 चम्मच नमक, उसके बाद मैंने डाल दिया 1/2 चम्मच गरम मसाला, उसके बाद मैं डाल दूंगी 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच मैं डाल दूंगी धनिया पाउडर। इसमें मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है, वैसे ही ऑप्शनल अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना ना डालें। उसके बाद हम लोग इसको मिला देंगे और मैंने यहाँ पे फ्लेम को लो कर दिया ताकि ये बिल्कुल जले ना
और आराम आराम से पके। इसको जितना स्लो फ्लेम पे पकाएंगे उतना ही अच्छा बनेगा और उतना ही क्रंची भी बनेगा। तो इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी भिंडी फ्राई बनके तैयार है और देखने में बहुत अच्छी लग रही है और खाने में तो बहुत टेस्टी है ही। इसको हम रोटी और छाछ साथ खाएंगे, बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पे मैं छाछ बना लेती हूँ। यहाँ मैंने दही ले लिया है और दही को अच्छे से फेंट लिया है। मैं आज मसाला छाछ बना रही हूँ तो इसमें हम लोग अब मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं डाल दूँ इसमें जीरा पाउडर। जीरे को मैं हमेशा भून के रखती हूँ। जीरा डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें चाट मसाला। मैंने यहाँ पे आधी चम्मच के अराउंड चाट मसाला लिया था। अब इसमें डाल देंगे कुछ और मसाले, जैसे नमक आधी चम्मच, धनिया पाउडर आधी चम्मच, मिर्ची पाउडर आधी चम्मच, गरम मसाला आधी चम्मच। उन सबको डालने के बाद मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी। पानी डालने के बाद अच्छे से मिलाएंगे और हमारी मसाला छाछ बनके तैयार है। अब हम लोग बना लेते हैं लच्छा पराठा। मैं यहाँ पर प्लेन वाले ही लच्छा पराठा बना रही हूँ। मैं गेहूँ के आटे के बना रही हूँ लच्छा पराठा। तो मैंने गेहूँ का आटा गूंद लिया था। अब इसको रोटी की शेप में बेल लेंगे। यहाँ पर मैंने गैस को भी ऑन कर दिया है तवे को गर्म होने के लिए। अब जो रोटी हमने बेली है उसके ऊपर हम डाल देंगे 2 चम्मच घी। घी डालने के बाद उसको हाथों से अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ, जिससे कि चारों तरफ घी लग जाए। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सूखा आटा। सूखा आटा डालना बिल्कुल स्किप मत करना। सूखा आटा डालने से जो पराठे में लच्छे बनते हैं बहुत अच्छे बनते हैं। अब रोटी को फोल्ड कर देंगे एंड लोई की शेप में बना लेंगे। अब इसमें आटा लगाकर हल्के हाथों से बेल लेंगे। अब इसको तवे पे डाल देंगे और दोनों साइड से उलट पलट कर घी लगाकर पका लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आगे भी मेरी वीडियो देख पाएं। यहाँ पे पराठे में अच्छे से घी लगा देंगे और घी लगाने के बाद उलट पलट कर इसको पकाएंगे। हमारा लच्छा पराठा बनके तैयार है। अब प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्लेट में ले लिए चावल बीच में। उसके बाद मैंने रख दिया मटर पनीर, उसी के साथ मैंने रख दिया भिंडी फ्राई। उसके बाद मैंने रख दिया सैलेड, मैंने टमाटर का सैलेड लिया आज। उसके बाद मैं रख दूंगी मसाला छाछ जो मैंने बनाई थी, उसको मैंने गिलास में डाल लिया है। साथ में मैं रख दूंगी बूंदी के लड्डू, कि मैं इंडियन स्टोर से लेके आई थी, मेरे फेवरेट है ये बूंदी के लड्डू, तो मैं ये भी रख दूंगी। उसी के साथ मैं रख दूंगी लच्छा पराठा और इसी के साथ हमारी वेज थाली बनके तैयार है आज की। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।